हेलो स्टूडेंट, आज दीपावली का दिन है तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसे पटाखे दे रहे हैं जो सेमेस्टर में जलाने के लिए है और वो सेमेस्टर में एक मार्क्स कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो वो पटाखे का नाम भी जान लीजिए, वो पटाखे का नाम है ईरर इन चेन सर्वेइंग। जब आप कहीं भी चेन सर्वेइंग कर रहे होते हैं, जब आप लोग कहीं भी चेन सर्वेइंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ईरर आते हैं, ईरर इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ईरर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ईरर इंट्रोड्यूस होने का चांस कहाँ कहाँ से बन सकता है, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ ईरर बोलेंगे। अगर ईरर इंट्रोड्यूस होने का चांस बन गया तो हम लोग देखेंगे कि वो ईरर जो निकल कर आया वो ईरर किस टाइप के है, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ ईरर, ठीक है। तीसरा बात हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर ईरर आ गया तो हम लोग इंजीनियर हैं तो उसको उस ईरर को हम लोग सोल्व कहाँ से करेंगे, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे करेक्शन। तो ये सारे इसी टॉपिक में कवर होंगे। दूसरी बात, चेन और टेप पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि कौन सा करेक्शन चेन के लिए होगा और कौन सा करेक्शन टेप के लिए होगा। तो ओवरऑल ये जो पटाखे हैं, गलती से सात मार्क्स का भी बन सकता है ये पटाखे, और ये पटाखे एक मार्क्स में भी सीमित रह सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस ट्रेंड से पूछ रहा है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो होगा, ठीक है सर। आप का ही इतना बोल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि ईरर क्या होता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि अगर स्टेशन ए है और अगर स्टेशन बी है, अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी तक का डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है, और आप लोग के लिए सीधा साधा एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसका नाम है टेप, और टेप पर डिज़ाइन किया गया, ऐसा लिखा गया है कि टेप 20 मीटर का हो। तो आपने ये दोनों को बीच का मेजरमेंट लिया तो पता चला कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का जो डिस्टेंस आया वो 40 मीटर आया। इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश आप लोग कीजिए। ऐसा 20 मीटर का टेप दिया गया था और आप लोग मेजरमेंट किए यानी नापे, और नापला के बाद आया 40 मीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आया मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। आप लोग जो नापे वो कितना आया, 40 मीटर आया। टेप कितना मीटर का था, 20 मीटर का था। बाद में जब आप लोग क्या किए, स्टैंडर्ड गेज लाएं और गेज से जब टेप को नापें तो टेप 20 मीटर ना रह करके टेप आपको पाया गया कि 19.9 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे टेप छोटा कितना था, तो बोलिए 0.1 मीटर टेप छोटा था। इसका मतलब आप लोग क्या, आप लोग के द्वारा एक्चुअल लेंथ यानी बोलेंगे ट्रू वैल्यू कितना था, अगर बात किया जाए ट्रू वैल्यू कितना था, तो 19 × 38 यानी 39.8 मीटर। ट्रू वैल्यू कितना था, इतना था, लेकिन आपके इंस्ट्रूमेंट गलत होने की वजह से आपने नाप कितना लिया, इंस्ट्रूमेंट गलत होने की वजह से आप लोग कितना नाप लिया, 40 मीटर। इसका मतलब ट्रू वैल्यू 39.8 था, ट्रू वैल्यू 39. कितना था, 8 था, लेकिन आप लोग नाप कितना लिया, 40। तो बताइए ईरर कितना आ गया, ज़्यादा हम लोग कितना नाप लिए, देखिए। तो यही बात बताता है कि ईरर जो है, ईरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आप लोग मेजरमेंट लिया कितना, 40 मीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना था, तो बोला कि 39.8 मीटर। अब बताइए आप लोग मेजरमेंट जो लिया गया वो मेजरमेंट ज़्यादा कितना ले लिया गया, इसका मतलब पॉजिटिव आया 0.2 मीटर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये जो पॉजिटिव साइन जो बता रहा है, इसका मतलब इतना मीटर आप ज़्यादा नाप लिए, आपकी जो गलती हुई यहाँ पे वो ज़्यादा हो गई ना, एक्चुअल में इतना था लेकिन आप लोग 0.2 मीटर क्या कर लिए, ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। जो आपका ये पॉजिटिव साइन बता रहा है, आपका ये क्या कर रहा, बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा, चलिए मान लीजिए छोटा ही सही, ठीक है। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे मतलब निकल रहा है।
कि अगर ये पॉजिटिव साइन है इसका मतलब ये बता रहा है कि आपने ज़्यादा मेजरमेंट कर लिया, जितना था उससे ज़्यादा मेजरमेंट कर लिया। अगर गलती से अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन अगर निगेटिव आ जाता तो हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि आपके द्वारा मेजरमेंट जितना था उससे कम लिया गया। तो ये दोनों ही साइन का मतलब आप लोग समझ गए और ये मैग्नीट्यूड का मतलब भी समझ गए कि इतना अमाउंट में गलती हुआ। ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि इतना अमाउंट में गलती, मेजरमेंट ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? मेजरमेंट ज़्यादा हो गया। मेजरमेंट करना चाहिए इतना, लेकिन हो गया कितना? इतना। तो बताइए गलती हो रहा है, तो गलती होने का वजह क्या क्या हो सकता है? तो वजह पहला कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया चेन और टेप वो ही खराब निकल जाए। खराब कहने का मतलब उसकी जो लेंथ है वो लेंथ सही नहीं निकले। इसका मतलब ये जो एरर होगा चेन और टेप की वजह से, तब उस एरर को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, या एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो एरर हो रहा है। दूसरा बात बोले कि सर्वेयर के वजह से भी गलती हो सकता है। सर्वेयर मतलब मान लीजिए इंजीनियर, ठीक है ना, वो इंजीनियर के वजह से गलती होगा, तो उस टाइप को एरर को हम लोग बोलेंगे पर्सनल एरर। एक होता है कि नेचुरल एरर। नेचुरल एरर कहने का मतलब क्या हुआ कि नाप रहे अचानक तेजी से आंधी चले लगा, तो ये हो गया नेचुरल एरर। तो बहुत सारे ऐसा चीज़ हो गया, यानी नेचुरल थिंग्स के वजह से, प्राकृतिक के वजह से जो गलती होगी मेजरमेंट लेने में उसको बोलेंगे नेचुरल एरर। जो गलती सर्वेयर के वजह से होगा उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। जो गलती इंस्ट्रूमेंट के वजह से होगा उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ एरर। क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एरर। उम्मीद है एरर समझाने में हम सफल हुए होंगे। दूसरी बात है टाइप्स ऑफ एरर। एरर अगर हुआ तो एरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहले इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से इसको छाप लीजिएगा ताकि हमको रफ करने के लिए जगह भी मिले। और आप लोग क्या कीजिएगा, एक काम आप लोग नहीं करते, क्या नहीं करते कि आप लोग फेयर नहीं बनाते। जो हम बहुत गुस्सा आता है जब आप लोग फेयर नहीं बनाते हो, ठीक है। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि फेयर बनाइए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप्स के होंगे हम लोग जानेंगे। आज की एरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के जनरली होते हैं। सबसे पहला कॉम्युलेटिव एरर। कॉम्युलेटिव का स्पेलिंग गलती है, क्यूम्युलेटिव होता है, ठीक है ना, कॉम्युलेटिव एरर। और दूसरा है कंपनसेटिंग एरर। कॉम्युलेटिव एरर का एक और नाम है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे लिखा गया इसका डिफिनेशन कॉम्युलेटिव एरर का, कह रहा कि ये सिस्टमैटिक एरर अंडर द सेम कंडीशन विल ऑलवेज सेम साइन। समझने की कोशिश कीजिए, एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए कि आपकी यहाँ पे ये मेन सर्वे लाइन है ए और बी, और मेन सर्वे लाइन से हम लोग मेजरमेंट लिया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही नापें यहाँ से यहाँ तक, तो आपके यहाँ पे एक मीटर का गलती, एक एमएम का गलती आ गया। यहाँ पे जो ये गलती आया वो गलती एक एमएम का आ गया। कितना एमएम का? एक एमएम का। जैसे ही सर्वे लाइन को और आगे बढ़ाएं तो यहाँ से यहाँ तक तो एक एमएम का गलती ऑलरेडी पहले से था, और फिर से एक एमएम का गलती हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 mm का गलती हो गया। कितने mm का गलती हो गया? 2 mm का गलती हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो 1 mm का गलती होगा ही होगा, 2 mm नीचे वाला भी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो गलती आया वो 3 mm का गलती आया, इसी तरह से 4 mm का, इसी तरह से 5 mm का। देखिए अगर बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे अगर 0 mm स्टार्टिंग में तो कोई गलती होगा ही नहीं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो गलती हुआ यहाँ पे गलती का डिफरेंस एक है, यहाँ पे भी गलती एक है। देखिए गलती मीटर में नहीं होगा, एमएम में होगा, क्योंकि गलती बहुत कम होगा भाई। इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 0 mm का गलती हो रहा है, यहाँ पे 1 mm गलती हो रहा है, यहाँ पे 2 mm गलती हो रहा है, यहाँ पे 3 mm गलती हो रहा है, यहाँ पे 4 mm हो रहा है। देखिए अगर बात किया जाए कि यहाँ पे ये जो गलती हुआ 1 mm का हुआ, यहाँ पे भी ये दोनों के बीच गलती कितना हुआ? 1 mm का गलती हुआ। देखिए तो अगर बात किया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे भी 1 mm का गलती हो रहा, यहाँ पे भी 1 mm का गलती हो रहा, और यहाँ पे भी 1 mm का गलती हो रहा, और यहाँ पे भी कितना mm गलती हो रहा? 1 mm का गलती हो रहा। अब बताइए कि समझने वाली बात ये है कि यहाँ से 1 mm गलती हुआ, लेकिन ये वाला गलती यहाँ पे भी जुट गया,
इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल गलती कितने हुआ 2 mm। अब ये 2 mm तो हुआ ही, 1 mm यहाँ पे गलती हुआ, इसीलिए इसकी वजह से कितना mm हुआ, 3 mm हो गया। अब 3 mm तो यहाँ पे गलती हो गया, 1 mm फिर से आगे गलती होगा तो 4 mm होगा, ऐसी तरह से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जो पहले गलती किए वो अगला बार जो मेजरमेंट लेंगे उसमें तो जुटेगा ही जुटेगा, और वहाँ पर भी एक गलती हुआ वो भी जुटेगा। तो इस टाइप की गलती को बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर। और क्यूमुलेटिव एरर में क्या देख रहे हैं कि हर एक जगह पर जो एरर आ रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड का रहा, कच्ची आ रहा, सेम मैग्नीट्यूड का रहा, कच्ची का रहा, सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरा बात ये की पॉइंट है कि सेम साइन का साथ आएगा, सेम साइन। और साइन कहने का मतलब हो गया कि वह तो पॉजिटिव एरर आएगा या तो निगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो क्यूमुलेटिव एरर कहने का मतलब हम लोग दो चीज़ सीखें कि जो पहले बार गलती किया वो गलती क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखिए इसका गलती इसमें ऐड हो रहा है, 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 लेकिन हर एक जगह पर क्या हो रहा है, गलती एक ही जैसा आ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे इस गलती को बोलेंगे सिस्टमैटिक गलती। क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक गलती। हम लोग इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। यानी अब इस टाइप के एरर को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, सिंपल, सब जगह गलती बराबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। बड़े आसान से देखिए, देख ये रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ से यहाँ गलती, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे गलती भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 0 mm था, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। ये बात से हम प्रूव कर सकते हैं कि लेंथ का प्रोपोर्शनल होगा क्यूमुलेटिव एरर। एक बात यहाँ पे लिखा गया है क्यूमुलेटिव एरर का सिस्टमैटिक एरर अंडर द सेम कंडीशन विल ऑलवेज बी द सेम साइज एंड सेम साइन। मतलब एक ही साइज का होगा, एक ही मैग्नीट्यूड का होगा और साइन भी क्या होगा, एक ही होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव। यहाँ पर लिखा है कि द क्यूमुलेटिव एरर आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो अपन बताया क्यूमुलेटिव एरर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तीसरी बात कह रहा है कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि अपन डिस्कस कर दिया। चीज़ है बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अपन फंडामेंटल का वीडियो लेक्चर में भी क्यूमुलेटिव एरर समझाने की पूरी कोशिश किया और आज मैं फिर से क्यूमुलेटिव एरर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ आ रहा होगा। बात आती है कि सर क्यूमुलेटिव एरर का एग्जाम्पल की बात थोड़ा कर दो, चूँकि ऐसा समझ नहीं आता, जब एग्जाम्पल समझाते हैं तो अच्छे से समझ आता। तो आप यकीन मानिए, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब एग्जाम्पल खुद समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं तो अभी समझाने की कोशिश करेंगे ही। अगर बात किया जाए कि यहाँ पे एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, तीसरा रेलवे स्टेशन, सर चंडाल नोबेल प्राइज मिल जाएगा। एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, और आपको चेन दिया गया और चेन के गलती, चेन में ही गलती था 1 mm का, तो 1 mm यहाँ पर भी गलती होगा। अगला जब चेन से मेजरमेंट करेंगे तो 1 mm तो पहले से गलती हो चुका है, अगला बार जो गलती होगा वो कितने mm का गलती होगा, 2 mm का गलती होगा। अगला बार जो गलती होगा वो कितने mm गलती होगा, 3 mm का गलती होगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपको मान लिया जाए कि 20 मीटर का चेन का करके 19 मीटर का जो चेन दिया गया है, इसका मतलब 19.9 मीटर का जो चेन दिया गया है इसका मतलब कितना है, मान लिया जाए ऐसे लिखिए ना, 20 मीटर का चेन कह करके दिया गया है लेकिन चेन का एक्चुअल लेंथ 19.9 मीटर ही रहा, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे गलती हो रहा, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं 0.1 मीटर गलती हो रहा, यही तो है। देख लो 20 मीटर माइनस 19.9 0.1, ठीक है ना, मान लीजिए कि 0.1 मीटर गलती हो रहा। अब बताइए कि ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया वही गलत था, अब वही इंस्ट्रूमेंट से नापिएगा तो वो गलती बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब बार बार रिपीट करेगा तो उतना ही अमाउंट में गलती होगा क्योंकि इरर इंस्ट्रूमेंट में है भाई, ठीक है। तो हमेशा यहीं पर ये भी इतना इरर होगा, अब 0.1 भी जुटेगा और यहाँ पर गलती, एक बार तो पहले गलती हो चुका है और एक बार और गलती होगा,
इसका मतलब ये गलती बार बार रिपीट होगा, तो इस टाइप की एरर को बोलेंगे क्यूमुलेटिव एरर। देखिए हमेशा एक ही अमाउंट का हो रहा है, एक ही साइन का रहा है। अगर चेन का लेंथ बड़ा तो एरर पॉजिटिव, अगर चेन का लेंथ छोटा तो एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सारी बात आप लोग को यहाँ पे करने वाली होगी और आप लोग खुद कर सकते हैं, इस चीज़ को एनालिसिस खुद से करिएगा कि कहाँ कहाँ से इसके एग्जांपल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब इरेज करने की कोशिश करता हूँ। इरेजर कहाँ है, इरेजर? अब आता है कंपनसेटिंग एरर। कह रहा है कि कंपनसेटिंग एरर आर लायबल टू अकर इन बोथ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड आर नॉट नोन, हेंस द बी कैन नॉट बी करेक्टिंग। कह रहा है कंपनसेटिंग एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। कहने का मतलब अभी मान लिया जाए कि अगर ये स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, स्टेशन ए से बी तक का मेजरमेंट ले रहा है, इसका मतलब कभी इधर चल गया, कभी इधर चल गया, कभी इधर चल गया, कभी इधर चल गया, कभी इधर, मतलब कहने का मतलब जो एरर है ना उसकी मैग्नीट्यूड बढ़िया से पता ही नहीं चल रहा है कितना अमाउंट में एरर हुआ, कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी निगेटिव हो रहा है, मतलब जैसे तैसे एरर आ रहा है, मतलब जैसे तैसे एरर को ही हम लोग बोले हैं कंपनसेटिंग एरर, जिसको हम लोग बोल रहे थे रैंडम एरर। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछने लायक बात आती है ये सेमेस्टर में तो नहीं, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, यानी गलती जो की है उसको सुधार करना ही क्या कहलाता है, करेक्शन कहलाता है। तो बस उसी को हम लोग बस लिख देते हैं करेक्शन। करेक्शन का मतलब होता है द एलिमिनेशन ऑफ, द एलिमिनेशन ऑफ, द एलिमिनेशन ऑफ एरर, एरर इज नोन एज, दिखा पड़ा ना, इज नोन एज करेक्शन। ठीक है ना, जो आपने गलती किया उस गलती को एलिमिनेट कर दो, उसी को हम लोग बोलेंगे करेक्शन। एक बात और भी लिख सकता है, करेक्शन, करेक्शन मे बी पॉजिटिव निगेटिव, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है ना, करेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, करेक्शन निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग ये जानते थे, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे एरर बराबर अभी भी सीखे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, एरर बराबर अभी भी हम लोग ये सीखे, हम लोग करेक्शन बराबर क्या सीखेंगे, करेक्शन बराबर ये सीखें ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना, ये हम लोग करेक्शन बराबर सीखें। अगर बात किया जाए कि अगर हम इस करेक्शन में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दोनों से यही पता चल रहा है कि ये वाला जो वैल्यू आ रहा है इसी को बोल रहे हैं एरर। पर ध्यान से दोनों का एनालिसिस कीजिए, यहाँ से एक बात सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन एरर एंड करेक्शन के बीच क्या रिलेशन है। तो हम लोग ये देखें, करेक्शन बराबर नेगेटिव साइन ऑफ एरर, ये चीज़ तो सीखें। यहाँ से हम लोग को दो बात समझ आनी ही चाहिए कि ये दोनों का जो होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होगा, ये जो कंसेप्ट है ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन एरर एंड करेक्शन। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन बड़े ध्यान से करिएगा और समझ कर नोट डाउन कीजिएगा। एरर एंड करेक्शन में हम यही देखें कि जितने का एरर आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का करेक्शन होगा,
जितने मैग्नीट्यूड का इरर आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का करेक्शन होगा, बट अंतर इतना ही है कि अगर इरर पॉजिटिव आया तो करेक्शन निगेटिव होगा, अगर इरर पॉजिटिव आया तो करेक्शन निगेटिव होगा, और इरर निगेटिव होगा तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, अगर स्टेशन ए है दूसरा स्टेशन बी है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में हम लोग नापें और नापने के बाद आया 5 मीटर। 5 मीटर अगर यहाँ पे अगर ये बात पता चल जाए कि इरर जो आया वो निगेटिव 1 mm आया, कितना mm आया 1 mm निगेटिव इरर है, तो अब इसको जो करेक्शन होगा, अब ये करेक्शन क्या होगा, करेक्शन जो होगा +1 mm। अगर बात की जाए इसकी इरर 1 mm निगेटिव आया और करेक्शन तक क्या होगा 1 mm पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब करेक्शन इसमें जुटेगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन इरर एंड करेक्शन की। अब हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन कितने टाइप्स के होगा, टाइप्स ऑफ करेक्शन, या करेक्शन कहाँ कहाँ करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको बड़े ढंग से करते हैं इरेज, और इरेज करने के बाद हम लोग करेंगे करेक्शन। करेक्शन किसके किसके वजह से करेंगे, सबसे पहले करेक्शन सबसे पहला जो हम लोग करेक्शन पढ़ेंगे, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू पुल। पांचवा जो आएगा करेक्शन ड्यू टू सैग, और छठवा जो आएगा करेक्शन ड्यू टू MSL मीन सी लेवल, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की आप लोग पूरे कोशिश कीजिए कि इतने टाइप्स के आप लोग को सिलेबस में करेक्शन मेंशनड है, इतने टाइप के करेक्शन आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, टोटल 5 करेक्शन है। एक बात और थोड़ा सा केयर करने की बात है कि सिर्फ ये दोनों ही करेक्शन जो आप लोग को अप्लाई होगी वो इसमें होगी, चेन में होगी, बाद बाकी जितने भी सब करेक्शन होगी सब का सब जो करेक्शन होगा वो टेप में होगा। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग बात करेंगे करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हम लोग समझेंगे कि जो चीज किसी के द्वारा बता दिया गया है और उसको सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझेंगे। जैसे अगर बात की जाए कि एक चेन दिया गया है और इस चेन का लेंथ यहाँ से यहाँ तक बता दिया गया है 20 मीटर, कितना मीटर 20 मीटर, कितना मीटर बताया गया है 20 मीटर। तो ये जो लेंथ हुआ चेन का, ये लेंथ को बोलेंगे स्टैंडर्ड लेंथ, क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड लेंथ, या इसी लेंथ को बोलेंगे नॉमिनल लेंथ, या इसी को बोलेंगे डिजाइन लेंथ। यहाँ पे तीन चीज एक ही चीज है, इसी को बोलते हैं नॉमिनल लेंथ, इसी को बोलते हैं डिजाइन लेंथ, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है ना। तीनों को मतलब आप लोग समझिए, न्यूमेरिकल बनाइएगा तो तीनों ही टर्म आएगा, तीनों को मतलब एक, या तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंथ, या तो उसी को बोलते हैं नॉमिनल लेंथ, या उसी को बोलते हैं डिजाइन लेंथ, ठीक है ना। लेकिन हमेशा आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, एक ही चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए दीपावली का रुझान आ गया है, ठीक है ना। एक ही चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को जो लेंथ दिया गया है वही लेंथ को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है ना। जैसे मैं 20 मीटर का चेन मेजरमेंट करने के लिए दिया गया है तो मान लें वही लेंथ क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के पहले आप लोग को 4 टर्म का मतलब समझना होगा। वो 4 टर्म कौन कौन सा है, सबसे पहला तो आप लोग समझें नॉमिनल लेंथ। नॉमिनल लेंथ को अगर हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें,
तो अगर मान लिया जाए कि नॉमिनल लेंथ का अगर लेंथ कितना है, मान लिया जाए कि 20 मीटर का चेन है, यानी इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ, या इसी क्या बोलते हैं? डिजाइन लेंथ। जैसे में 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए कि अगर कोई भी कंपनी में बनने के लिए दिया गया है और 20 मीटर का टैग उस पर लगा करके भेजा गया, क्या एक्चुअल में वो 20 मीटर होगा? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लाएंगे स्टैंडर्ड गेज और उससे नापेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में 20 मीटर नहीं था, वो तो हम लोग को धोखा दे दिया। और सब लोग उसको मान भी रहा है कि 20 मीटर है। जैसे में अगर 1 किलो को बटखारा को अगर मार्केट में लोहा वाला को दे दिया जाए तो सब लोग मानेंगे 1 किलो को बटखारा है, लेकिन पता चलेगा उसमें से 100 ग्राम नीचे वाला गिर गया है, तब उसको समझ आएगा कि 1 किलो नहीं, 1 किलो से कुछ कम है। लेकिन उसको उस मार्क से, उस टैग के वजह से हम लोग सब लोग को मान रहे थे क्या 1 किलो का बटखारा है। उसी तरह से जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ये सारे चीज़ को, तो उस पर 20 मीटर का टैग लगा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में 20 मीटर नहीं होता, या तो 20 मीटर से ज़्यादा होगा या तो 20 मीटर से कम होगा। तो उस लेंथ को बोलेंगे एक्चुअल लेंथ। क्या बोलेंगे? एक्चुअल लेंथ। अब एक्चुअल लेंथ को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे में 19.9 मीटर हो गया, 21.11 मीटर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है, एक होता है मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ करने का मतलब अगर बात किया जाए, इसको एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेजर्ड लेंथ करने का मतलब होता है रॉन्ग लेंथ। क्या होगा? रॉन्ग लेंथ, गलती लेंथ, जो आपने नापा। और नापेंगे जब गलत चीज से नापेगा तो गलत ही आएगा, तो जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो कभी भी सही नहीं मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे मेजर लेंथ। हमेशा कैसा लेंथ होता है? रॉन्ग लेंथ होता है। एक होता है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ, या इसी को बोलते हैं कभी कभी करेक्ट लेंथ। करेक्ट लेंथ, ठीक है ना। और करेक्ट लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हर एक चीज़ को आप लिखिएगा, हम इरेज कर दे रहे हैं बोर्ड छोटा होने के वजह से, ठीक है ना। करेक्ट लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे एक छोटा सा रेडीमेड फार्मूला हम लोग सीखेंगे कि हमेशा गलत वाले स्केल को गलत के साथ और सही वाला स्केल को सही के साथ। तो ये वाला स्केल गलत है और ये वाला स्केल, देखिए सही वाला स्केल कौन कौन है, बड़े आसान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमेशा ये दोनों क्या होगा, सही वाला होगा, और ये दोनों क्या होगा, गलत वाला होगा, ठीक है। तो गलत के साथ और सही के साथ। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल लेंथ गुणे ट्रू लेंथ बराबर एक्चुअल लेंथ गुने मेजर्ड लेंथ। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन में आप लोग को ट्रू लेंथ पूछेगा, और ट्रू लेंथ नहीं भी पूछेगा तो आप लोग अब निकाल सकते हैं। देखिए कि ट्रू लेंथ अगर निकालना रहेगा ट्रू लेंथ, तो बड़े आसानी से जो कह सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ गुने मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर ला देंगे नॉमिनल लेंथ, तो नॉमिनल लेंथ क्या आ जाएगा? नॉमिनल लेंथ नीचे आ जाएगा। तो बड़े आसानी से ये आपकी फार्मूला रेडीमेड ड्राइव हो चुकी है। इस चीज़ को अगर और शॉर्ट कर सकते हैं तो सिंबलाइज कर दीजिए। अगर आप ट्रू लेंथ को अगर स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्चुअल लेंथ को एल डैश से, और नॉमिनल लेंथ को कैपिटल एल से, और मेजर लेंथ को एल डैश से, तो आप इसको इस तरह से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यकीन मानिए यहाँ से 2000 अल्टरनेट कर करके 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, और यहीं से आप लोग को न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से आप लोग को कम से कम लगातार 10 न्यूमेरिकल हम कराने वाले हैं। और आप लोग बड़े पेशेंस के साथ आप लोग देखिए, और जो आप लोग को
मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पीडीएफ, उसको बनाइएगा। आप एक बात और ध्यान दे लीजिए, जब आप लोग अति में जो डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल का पीडीएफ दिया जाएगा तो उसके कुछ कुछ मतलब एक दो न्यूमेरिकल का शायद आंसर गलत आता है, याद नहीं है ढंग से कि किस न्यूमेरिकल का आंसर गलत आता है, लेकिन आप लोग खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे का आंसर न्यूमेरिकल जो पीडीएफ दिया जाएगा उस सारे का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स खाली ढंग से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद दो चीज़ पर विचार करेंगे, पहला जो डाटा गिवन है, दूसरा जो डाटा को कैलकुलेट करना। दोनों डाटा को हम बाहर निकालेंगे और दोनों में रिलेशन अपने से सोचना है कि वो रिलेशन कहाँ से आएगा। अब जब दोनों में रिलेशन सोच लिए बस आपके आंसर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो आइए हम वैसा ही कुछ काम करते हैं, पहला स्टेप प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन, कह रहा है कि एक लाइन का लेंथ जो है, यहाँ से अगर एक लाइन है इसका लेंथ मेजरमेंट करने के लिए 20 मीटर का चेन दिया गया, ठीक है ना, 20 मीटर का चेन दिया गया, लेकिन इस चेन से जब नापा गया तो हमारा लेंथ आया 250 मीटर। कितना मीटर आया? 250 मीटर। देखिए लाइन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, द कैलकुलेट ट्रू लेंथ, यहाँ पे ट्रू लेंथ कैलकुलेट करना है, कब, जब चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ये देखा गया कि चेन अब 20 न रह करके कितना बढ़ गया है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा अपन को यानी 0.1 यानी हम कह सकते हैं 20.1 मीटर, यानी चेन का लेंथ अब बढ़ चुका है। अब बढ़ गया तो क्या ये एक्चुअल में इतना लेंथ रह पाएगा, नहीं, तो वही बताना है कितना लेंथ बचेगा ट्रू लेंथ। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन। अपन पुराने स्टूडेंट तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ऑफलाइन क्लासेज वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं कंसेप्ट को ढंग से समझिए, न्यूमेरिकल बनाने का बहुत ही आसान टेक्निक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन में आपको दे दिया गया स्टैंडर्ड लेंथ यानी नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन, जो चेन है वो 20 मीटर का चेन था। देखिए जो चेन दिया गया वो कितने मीटर का चेन दिया गया, 20 मीटर का, इसका मतलब आपके नॉमिनल लेंथ डिजाइन लेंथ दे दिया गया, स्टैंडर्ड लेंथ दे दिया गया कितना, 20 मीटर। उसके बाद क्या देखा गया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, चेन का एक्चुअल लेंथ क्या था, 20 मीटर नहीं रहा, वो बाद में नापने के बाद में देखा गया चेन 20 मीटर का, तो वहां से लाए हम खरीद करके, स्टैंडर्ड लेंथ तो 20 मीटर था, लेकिन फील्ड में काम करने के बाद हमको ये देखें कि चेन एक सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर तो पहले से ही बढ़ा हुआ था। ऐसा कब, जब काम खत्म करने के बाद हम नापें तो देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, इसका मतलब एक्चुअल लेंथ जो चेन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। बड़े आसानी से इस कैलकुलेशन को समझिए। उसके बाद आपको बताना है मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, लाइन का मेजर्ड कितना किया गया, तो बोलेंगे 250। रुझान आ रहा है पटाखा का, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए कि मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है ना, इस लाइन का जो हम लोग मेजर्ड किए, हम लोग इतना मीटर मान करके इतना मेजरमेंट किए, क्या एक्चुअल में इतना था, नहीं, इतना से बढ़ा था। तो यहां पे हमको ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है, ट्रू लेंथ लाइन, उस लाइन का ट्रू लेंथ फाइंड करना। तो बड़े आसानी से हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े अभी क्या पढ़े कि ट्रू लेंथ बराबर एक्चुअल लेंथ बटा नॉमिनल लेंथ गुने मेजर्ड लेंथ, हमारा ट्रू लेंथ निकालना है। क्या नहीं बन पाएगा बताइए, एक्चुअल लेंथ हमारा कितना था, तो बोला कि बढ़ल था, एक्चुअल में कितना था, बढ़ल था, बोले कितना, 10 सेंटीमीटर, नॉमिनल कितना, 20, मेजर कितना, 250। इसको जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, इतना,
251.25 मीटर। कहाँ से? तो भाई कैसी हो आप लोग, कोनियागिरी नहीं कीजिएगा, आप लोग पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है ना। बड़े ढंग से इसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए और इसको पूरा एनालिसिस कीजिए, तब समझ आएगा। देखिए, एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं और इस न्यूमेरिकल को बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं और बाद बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल आएगा सब आप लोग के लिए आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को बना दिए, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा कि द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन। जो लाइन का लेंथ है, मान लिया जाए इस लाइन का लेंथ है, मेजर किया गया 20 मीटर का चेन से, तो आपको जो दिया गया चेन का स्टैंडर्ड लेंथ कितना हो गया 20 मीटर, या नॉमिनल लेंथ, या स्टैंडर्ड लेंथ, या डिजाइन लेंथ, तीनों तो सेम चीज़ है जो अपन पहले ही बता रखा। तो नॉमिनल लेंथ कहे, चाहे डिजाइन लेंथ कहे, चाहे स्टैंडर्ड लेंथ कहे, कितना होगा 20 मीटर होगा। लेकिन कहा देखा गया कि चेन था वो 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया था, तो 10 सेंटीमीटर लंबा होने का मतलब एक्चुअल में जो लेंथ चेन का होगा वो 20 प्लस कितना हो जाएगा 0.1, तो यानी ये 20.1 मीटर हो जाएगा। अब उससे लाइन मेजरमेंट कितना लिया गया है, तो 250 मीटर। तो बोले कि ट्रू लेंथ लाइन का पता करना। इस टाइप का क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आते हैं और 6 मार्क्स दिलाकर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ढंग से समझो और एनालिसिस खुद करो, टीचर के भरोसे कम रहें और खुद की मेहनत पर भरोसा ज़्यादा करें, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन। बड़ा आसानी से कुछ नहीं, कुछ कुछ समझ आता है तो कुछ कुछ लिखते रहिए आप लोग, क्योंकि लिखने से बहुत सारी सोल्यूशन हो जाती है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन वाज मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन। ये जो सर्वे लाइन है ए से बी का, उसको जो 20 मीटर चेन से नापा गया, 20 मीटर चेन से नापा गया, मतलब यहीं से आप लोगों को समझ गए नॉमिनल लेंथ कितना दिया गया है। नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर नापा गया। नापने के बाद ये पाया गया कि 1200 मीटर यहां से यहां तक लेंथ पाया गया। कितना पाया गया? 1200 मीटर पाया गया। कह रहा है कि एज अ चेक द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड विथ 25 मीटर चेन। उसके बाद इस चेन को चेक किया गया और चेक करने के बाद इस चेन को हटा दिया गया और उसके बाद यही वाला लेंथ को ए से बी, यही वाला लेंथ को 25 मीटर वाला चेन को लाया गया नापने के लिए। 25 मीटर चेन, इसका मतलब अगला बार भी नॉमिनल लेंथ कितना हो गया? चेन बदल दिए। बदलने का वजह क्या होगा? चेन में कुछ जरूर गलती पाया गया होगा। जब 25 मीटर का चेन लाया गया तब यहां से जो मेजर्ड लेंथ मिला वो 1212 मीटर मिला। देखिए, यहां तक अपन क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। कह रहा कि वन कंपेयरिंग द 20 मीटर चेन। अब उसके बाद क्या कंपेरिजन किया 20 मीटर चेन को किसके साथ? विथ टेस्ट गेज। टेस्ट गेज से क्या करते थे हम लोग? चेन का करेक्ट मतलब कितना लेंथ है उसको मेजरमेंट करते थे स्टैंडर्ड गेज से या टेस्ट गेज से। जब टेस्ट गेज से 20 मीटर वाला चेन को नापा गया तो 1 डेसीमीटर लंबा था। इसका मतलब 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब होता है 0.1 मीटर। इसका मतलब ये जो 20 मीटर का चेन ना होकर के कितना था? 20.1 मीटर था। 20 मीटर का चेन ना होकर कितना था? 20.1 मीटर। इसका मतलब एक्चुअल लेंथ था, क्या था? एक्चुअल लेंथ। देखिए, दोनों ही स्थिति में, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति में क्या है, दोनों में लेंथ क्या है? सेम है। क्या है? सेम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सेम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। किससे? तो दो टाइप के चेन से, एक 20 मीटर वाला चेन से और एक 25 मीटर वाला चेन से। जब 20 मीटर वाला चेन से जब मेजरमेंट लिया तो देखा गया क्या कि 20 मीटर वाला चेन 20 मीटर ना होकर कितना था? 21 मीटर था।
तो यही पूछ रहा है कि जब 25 मीटर वाला नापेंगे तब 25 मीटर नाप करके इतना होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को बड़े ढंग से आप लोग समझिएगा तो क्वेश्चन दो केस में आ गए हैं, एक केस 20 मीटर वाला हो जाएगा, एक केस 25 मीटर वाला होगा। तो आइए इसकी सोल्यूशन करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन और लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखेंगे गिवेन, क्या लिखेंगे गिवेन। गिवेन क्या है तो बोले कि नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ को अगर केस फर्स्ट के लिए अगर मानते हैं एल, तो आप लोग को नॉमिनल लेंथ हो जाएगा 20 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ को अगर गलती से माने नन का एल तो हमारा हो जाएगा 20.1 मीटर। मेजर्ड लेंथ अगर केस फर्स्ट किससे बात किया जाए तो मेजर्ड लेंथ कितना हो जाएगा, बोलवे नहीं कीजिएगा, अरे बोलिए, मेजर्ड लेंथ हो जाएगा 1200 मीटर। तो यहाँ से ट्रू लेंथ नहीं निकलेगा, अब बताइए जो ट्रू लेंथ यहाँ से निकलेगा तो ट्रू लेंथ बराबर फार्मूला हो जाएगा, ट्रू लेंथ बराबर हो जाएगा एक्चुअल लेंथ बट्टा नॉमिनल लेंथ गुने मेजर्ड लेंथ, ठीक है ना। इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसको हम करते हैं इरेज। अब बताइए कि इसको जैसे ही सोल्व आउट कीजिएगा तो एक्चुअल लेंथ हमारा कितना था, 20.1 मीटर था, नॉमिनल लेंथ कितना था 20 मीटर था, मेजर्ड लेंथ कितना था 1200 मीटर था। समझने की कोशिश कीजिए, इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1206। देख लीजिए सोल्यूशन करके हम लाए हैं, सोल्यूशन करके कितना आ रहा था, इसमें तो नहीं, 1206 के आसपास आ रहा था, 1206 मीटर। आप लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कीजिएगा, इसको खुद से चेक कीजिएगा कितना आ रहा। अगर जितना भी आए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आगे ये हमारा क्या एक्चुअल लेंथ, ये कहाँ से आया था, बाई कैल्सियो, ठीक है ना, कैल्सियो से सोल्व करने के बाद आया। देखिए ट्रू लेंथ यहाँ के लिए भी वही होगा, यहाँ के लिए भी वही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको करते हैं इरेज, और इरेज करने के बाद हम देखते हैं केस टू की, इसको भी छाप लीजिएगा, इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज। केस फर्स्ट से हमारा आप लोग कॉपी पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, जब तक नहीं लिखेगा तब तक दिक्कत रहेगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब केस फर्स्ट में हम लोग ये देखा, केस फर्स्ट में हम लोग ये देखा, तो केस टू में हम लोग देखेंगे, केस टू में गिवन क्या है, नॉमिनल लेंथ, नॉमिनल लेंथ कितना है बाबू, 25 मीटर। केस टू में एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है, एक्चुअल लेंथ कितना पूछ रहा है, एक्चुअल लेंथ क्या कर रहा है पूछ रहा है, मेजर्ड लेंथ कितना है 1212 मीटर। चलिए बताइए ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ हम किस फर्स्ट से फाइंड आउट कर लिए 1206 मीटर। क्या एक्चुअल लेंथ आप लोग से नहीं निकल सकता है, जी निकल सकता है, कितना निकल सकता है जल्दी बताइए। एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ 25 सेंटीमीटर के लिए कितना निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं ट्रू लेंथ बराबर बराबर एक्चुअल लेंथ बट्टा नॉमिनल लेंथ गुने मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। तो बड़े आसानी से केस टू के लिए ट्रू लेंथ कितना होगा, जो केस फर्स्ट में होगा 1206, एक्चुअल लेंथ हम लोग को निकालना है, एक्चुअल लेंथ नॉमिनल लेंथ इसके लिए कितना है 25 मीटर, मेजर लेंथ कितना है वो तो 1212 मीटर। यहाँ से जो एक्चुअल लेंथ आएगा, एक्चुअल लेंथ वही सॉल्यूशन करके आप लोग को आ जाएगा बाई कैल्सियो।
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग सोल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं, और इससे पता भी चलेगा कितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं। हमारी मेहनत तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन और हमारे तक इस न्यूमेरिकल का आंसर नहीं भेज देंगे। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही, तब तक बढ़िया से दीपावली मनाइए और खूब पटाखे छोड़िए।